Jai Hind student, welcome again in your GK class. Today we are going to start your half yearly syllabus. Your chapter is Around the World, page number 24. Answer these questions and discover more about your diverse and wonderful world. First, in which country does the westernmost point of Europe lie? Means Europe ka sabse pashchimi bindu kis desh mein hai? Your answer is Portugal. Answer is Portugal. Now, question number second. Which is the largest island in the world? Vishv ka sabse bada island means dweep kaun sa hai? Your answer is Greenland. Greenland. Now, question number third. Which river is the second longest river in Europe and flows through the capital cities of Vienna, Bratislava, Budapest and Belgrade? Means, कौन सी नदी यूरोप की सबसे दूसरी दूसरी सबसे लंबी नदी है और वियना means वियना, ब्रतिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड की राजधानी के माध्यम से बहती है? Your answer is the Danube. Question number 4. Which is the most populous landlocked country in the world? Populous means सबसे आबादी वाला, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश. दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? Your answer is Ethiopia. Fifth, in which island is the pink land iguana found? गुलाबी भूमि iguana किस द्वीप में means कौन से island में पाया जाता है? Your answer is Galapagos. Now, question number 6. Which country has the highest number of lakes in the world? दुनिया में सबसे अधिक झीलों की संख्या किस देश में है? Means, कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? Your answer is Canada. Canada एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा झील है. Now, question number 7. In which continent is the driest place on earth located? Driest means सूखा हुआ, सूखा स्थान. पृथ्वी पर किस महाद्वीप में सबसे सूखा स्थान है? कौन सा सूखा, बिल्कुल driest? Answer is Antarctica. Now, question number 8. Which country along with Russia borders the most number of countries? कौन सा देश रूस के साथ सबसे अधिक देशों की सीमा बनाता है? Your answer is China. China एक ऐसा देश है जो रूस के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है. Now, question number 9. In which country are nearly 850 languages spoken, the most in the world? कौन से देश में लगभग 850 languages बोली जाती हैं? Your answer is Papua New Guinea. Okay, ये एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा languages बोली जाती हैं. Now, question number 10. Lesotho is one of the three countries to be completely surrounded by another country. Name the country that surrounds Lesotho. Means, Lesotho तीन देशों में से एक है जो पूरी तरह से दूसरे देशों से घिरा हुआ है. Lesotho को घेरने वाले देश का नाम बताइए. Your answer is South Africa. Answer is South Africa. Now, question number 11. In which country is the largest
पिरामिड इन द वर्ल्ड लोकेटेड? विश्व में सबसे बड़ा पिरामिड किस देश में स्थित है? एनी गेसेस? ओके, योर आंसर इज मैक्सिको. आंसर इज मैक्सिको. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. सेगन, अ मेजर सिटी ऑफ वियतनाम, वॉज रीनेम्ड टू ऑनर अ फेमस कम्युनिस्ट लीडर. व्हाट इज इट्स नेम, न्यू नेम? वियतनाम का एक प्रमुख शहर सेगन एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता का सम्मान करने के लिए बदल दिया गया था. इसका नाम, इसका नया नाम क्या है? योर आंसर इज होचिन मी सिटी. योर आंसर इज होचिन मिन सिटी. नाउ इट टिडबिट्स टाइम. द गैलापागोस आइलैंड्स आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर. व्हेन चार्ल्स डार्विन विजिटेड द गैलापागोस इन 1835, ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड प्लांट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द स्पीशीज फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दीज स्ट्रेंज एनिमल्स इंस्पायर्ड हिम टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. टूडे द आइलैंड्स आर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिडबिट्स? कैन एनीबडी टेल मी? नो? ओके. मींस गैलापागोस आइलैंड भूमध्य रेखा पर स्थित है. जब 1835 में चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस का दौरा किया, मींस वो वहां घूमे, तो उन्होंने पाया कि अधिकांश पक्षी, मछली, रेप्टाइल और प्लांट्स, पौधे दुनिया के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले प्रजातियों से अलग थे. इन अजीब जानवरों ने उन्हें अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास के सिद्धांत को तैयार करने के लिए प्रेरित किया. आज आइलैंड वाइल्ड लाइफ और एक नेशनल पार्क है. ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. हैव अ नाइस डे.